हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी वीडियो है वृषभ राशि के ऊपर, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, शुक्राचार्य जी। और जो आज हमारा टॉपिक है, वो आज हमारा टॉपिक है तीन तीन ग्रह आपके एक साथ जो युति बना रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। कहाँ पर युति बना रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे देखा, 1 मई से आपके गुरु विराजमान हो गए थे वृष राशि में, और फिर 14 मई से आपके सूर्य विराजमान हो गए थे आपके वृषभ राशि में, और अब 19 मई से आपके शुक्राचार्य जी भी विराजमान हो गए हैं वृषभ राशि में। यानी वृषभ राशि जो जिसके स्वामी आपके शुक्राचार्य होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, और इससे जो एक आपको आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है उस आशीर्वाद के बारे में हम बता रहे हैं कि वो जो आप आशीर्वाद आपको मिलेगा या उससे आपको फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कैसे आप अपने मनोरथों की जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने जा रहा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी कोई एक ऐसी कोई अगर इच्छा है, कोई विश है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे आप देखेंगे आपके जो छठा भाव है, आपके छठे भाव पे आपकी जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान है आपकी तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और यहाँ पर इसका सीधा इम्पैक्ट आ रहा है वो हम बता रहे हैं। हमने सूर्य के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, और गुरुजी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, गुरु बृहस्पति के ऊपर भी, और अब वीडियो हमारी जो है शुक्र के ऊपर वीडियो है, ठीक है ना, शुक्राचार्य जी के ऊपर वीडियो है। तो वो हम बता रहे हैं कि कौन सा सीधा जो इम्पैक्ट आपको मिलेगा, जो कौन सी ऐसी विषय या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी योजना है जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। छठे भाव की बात कर लेते हैं। छठा भाव किसका होता है? छठा भाव आपका रोग का होता है, ऋणों का होता है और शत्रुओं का होता है। ठीक है, अपने आप में बड़ा एक वैसा भाव है जो कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमारी लाइफ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भैया रोग और शत्रु से कौन आदमी है जो विजय नहीं पाना चाहता? कौन ऐसा आदमी है जो शत्रुओं पे, रोग पे और अपना इन सब चीज़ों पे अपना विजय नहीं पाना चाहता है, ऋण पे वगैरह पे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक आपको उपाय बता रहे हैं, ठीक है ना, उसका उपाय हम आपको बता रहे हैं, उसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है, सूर्य आपका पिता के कारक भी है और सूर्य आपके ग्रहों के राजा भी है। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु क्या है? गुरु धन भी हैं, गुरु आपकी वाणी भी हैं, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, गुरु से बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं जो गुरु से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऐसे शुक्र से हम देख लेते हैं। शुक्र से क्या है? जितनी भी आपकी मान सम्मान, आपकी भोग विलासताएं, ठीक है, गाड़ी जमीन परिवार भौतिक सुख जो पूर्ति करवाते हैं वो कौन कराते हैं? वो शुक्राचार्य पूर्ति कराते हैं, ठीक है ना। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं वो आप समझें। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको एक रुपया लेना है, ठीक है, एक नोट ले लें, रुपया ले लें, जो आपकी इच्छा करे वो आप ले सकते हैं, चाहे 10 रुपये का नोट ले लें, 100 रुपये का नोट ले लें, जैसी आपकी इच्छा है वो एक आप ले लें। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है? उस रुपये को लेने के बाद या तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, ठीक है, मंदिर में रख दिया आपने, जो भी आप जिस देवी देवता को आप अपना गुरु के हिसाब से मानते हैं, जिसे आप अपने गुरु के रूप में देखते हैं, या तो वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर रखें। रखने के बाद एक दिन बाद अपना उनके चरणों में रखने के बाद अपनी जो भी आपकी एक विश है, जो आपकी इच्छा है, जैसा आपका सपोज करो रोग ही कोई चल रहा है, ऋण ही आपका कोई चल रहा है, लोन आपका कोई चल रहा है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? इन तीनों ग्रहों से जो आपको फ़ायदा होगा, जो इन तीनों ग्रहों का जो साथ मिलेगा, इन तीनों ग्रहों का जो आशीर्वाद मिलेगा वो हम आपको बता रहे हैं। क्यों मिलेगा वो भी आप समझे। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया, आपने नोट ले लिया, आपने देखा होगा नोट के ऊपर क्या होता है, नोट के ऊपर देखा होगा आपका जो आपका शेर की मुद्रा मनी होती है, स्तंभ जिसे हम कहते हैं वो मनी होती है, तो वो तो शेर हो गया। शेर क्या हो गया? आपका सिंह राशि के हिसाब से देखते हैं, सूर्य के हिसाब से देखते हैं, तो वो आपको उस चीज़ को वहाँ वो कर रही है। ठीक है ना, सूर्य भगवान आपका साक्षात वहाँ एक तरह से विराजमान हो गए हैं भाई सिंह के रूप में। ठीक है, चलिए। और गुरु के हिसाब से हम क्या मानते हैं?
गुरु के हिसाब से हमने ब्राह्मण देवता को भी मान सकते हैं, या जिस भगवान को हम मानते हैं उसे गुरु के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो उसे भी हम मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आपका शुक्र हो गया। शुक्र क्या है? पैसा अपने आप, यानी सुख, जो भी भौतिक सुख आपको मिलेगा किससे मिलता है? पैसे से मिलता है ना, रुपये से मिलता है। तो वो क्या हो गया? शुक्राचार्य का रूप हो गया। तो क्या हो गया? एक तरह से एक नोट में तीनों का समावेश हो गया। इन तीनों का क्या हो गया? तीनों चीज़ें एक साथ हमारी आ गई। हमें गुरु का भी इसमें हाथ मिल गया, हमें इसमें सूर्य का भी हाथ मिल गया, और हमें शुक्राचार्य जी का भी हाथ मिल गया। एक तरीका तो ये है, हमने उसने अपने मंदिर में रखा, मंदिर में रखने के बाद हमने उठा लिया, ठीक है, अपनी जो भी हमने मांगी, एक छोटी सी हमने एक पोटली मंगा ली, मना ली, या अपना बाजार से लिया है छोटी सी पोटली, और उसमें वो रुपया या जो भी हमने रखा है वो हमने रख दिया, ठीक है, और उसे अपना तिजोरी में हम रख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे साथ क्या है? दूसरा तरीका हम ये है, हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, अपना जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा, फल फ्रूट वगैरह जो भी चढ़ाते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, और वहाँ जाने के बाद अपना आप वहाँ जो आपके ब्राह्मण देवता हैं, जो पुजारी जी हैं, उन्हें आप एक तरह से गुरु के रूप में मान के, है ना, ब्राह्मण के रूप में मान के, जो भी आप मानते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि भगवान हमें, प्रभु हमें इस रूप में हम जो हमने चढ़ाया है, ठीक है, हमने चढ़ा दिया, अब इसमें से आप हमें कुछ दक्षिणा उठा के हमें दे दें, है ना, जिसे जिसे कह देते हैं आप खजाने के रूप में, खजाने के रूप से आप उनसे कुछ भी अपना 10-5 रुपये जो भी आपको देते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसे आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके साथ में वो हो सकता है वे फूल वगैरह भी दें, उसे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे लाके अपना मंदिर में, उसमें अपना लाके अपने उसमें जो आपको पोटली हमने बताई है उसमें आप मना लें, और मनाने के बाद उसे जो भी आपकी, जैसे सपोज करो आपका लोन नहीं चुक रहा है, ठीक है ना, या आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या आपका जैसे आप मानते हैं कि भाई आपका कोई ऐसा रोग था जो आपके साथ चला ही आ रहा था, ठीक है ना, भाई हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, है ना, तो हर चीज़ के पैसा क्या है, पैसे के लिए तो सब चीज़ें ज़रूरत है, हर चीज़ से लड़ने के लिए पैसा ही आता है काम, तो आप उसे ला के रख सकते हैं, ला के रखें, और इन तीनों का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी आपका 14 तारीख तक ये पूर्ण रूप से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपको देखना, आप मन श्रद्धा से आप अगर ये काम करेंगे पूरे परिवार का उस पर हाथ लगा लें, और हाथ लगाने के बाद अपने तिजोरी में रखें उसे, और उसका फिर आप कमाल देखें। आपको इन तीनों का जो साथ मिलेगा इस समय, आप कमाल कर देगा आपकी लाइफ में, और आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो मनोरथ हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, चाहे छुपी हुई इच्छाएँ चाहे दबी हुई इच्छाएँ, उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी बस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।